हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज प्लैच। मैं राजू श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ अन अकेडमी स्टूडियोज प्लैच पे। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से MPPSC 2019 की तैयारी की थी। अब वक्त आ गया है कि उन्हीं MCQs के माध्यम से हम MP TET 3 की तैयारी करें। ओके, तो हमारी अन अकेडमी स्टूडियोज बैच की सारी टीम है जो आपको तैयारी कराती है MPPSC की, MPSI की और MPTET की। हमारी कंप्लीट टीम में है दिनेश ठाकुर सर, शुभम गुप्ता सर, जितेंद्र सर, शैलेंद्र सर, सन्मति सर, अजय सर, राजू श्रीवास्तव, मैं और साथ ही हिमांशु सर और राम सर हमारी इस टीम में जुड़ चुके हैं। चलिए, बात करने वाले हैं आज हम MPTET के MPTET 3 के MCQs की, जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे चीज़ें और यहाँ पर हम टॉपिक वाइज MCQs करेंगे। हर एक टॉपिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे, MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले यदि आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, तो 1 बजे मैं आपको मध्य प्रदेश की कहानी, जिलों की जुबानी, हमारा ये जो एक पहल है नए तरीके से मध्य प्रदेश के जीके को सीखने की। 3 बजे एक और सेशन होगा जो कि ठीक आज नहीं हो पाया था, करेक्ट टाइम पे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए ये प्रीमियर सेशन आपके लिए है जिसमें हम टॉपिक वाइज MCQs MPTET 3 के MCQs को कवर करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए, इसके अलावा अपनी TET की तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हो तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो। ओके, बहुत ही अच्छे से पेपर निकल जाएगा और जल्दी ही शिक्षक भर्ती में आपकी भर्ती हो जाएगी। बस करना क्या है, आपका गोल सिलेक्ट करना है आपको वहाँ पर MPTET, ठीक है, MPTET गोल सिलेक्ट करना। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आएंगे और सब्सक्रिप्शन अप्लाई करते वक्त आपको वहाँ पर मेरा कोड RJLIVE, इस कोड को यूज़ करना है जो दिलाएगा आपको पूरे 10% का डिस्काउंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको सभी को पता है कि PEB का नोटिफिकेशन आ गया, कि जो TET की परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और आपको बता दूं कि ये जो आवेदन है इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी, फिर भी एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड की तरफ से जो आया है उसके हिसाब से जो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रथम तिथि है वो कितनी है, 6 तारीख। तो 6 तारीख से जो है एप्लीकेशन भरना, फॉर्म भरे जाना चालू हो गए हैं। आप करेक्शन भी कराना चाहते हैं तो 6 ही तारीख से। अंतिम तिथि की बात करें, आप अंतिम तिथि कि आप कब तक ही फॉर्म भर सकते हैं, तो 20 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बचे हुए 5 दिन में जितने लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर दीजिए। ओके, PEB का जो परीक्षा शुल्क रहेगा, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए कितना रहेगा, 250 रुपये, और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए कितना रहेगा, 500 रुपये इस एग्ज़ाम को भरने की फीस रहेगी। ओके, इसके अलावा जो जानकारी ये है कि परीक्षा कब होगी, वो घड़ी कब आएगी, वो पेपर कब आएगा, तो फिर 25 अप्रैल से आपका जो पेपर है ये प्रारंभ होगा और 1 दिन में होगा ये पेपर। ओके, परीक्षा की पाली 1 रहेगी जो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक होगा। ओके, और उसके अलावा दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक ये क्या है, रिपोर्टिंग टाइम है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय कितना, 8:50 से 9 बजे तक रहेगा। 10 मिनट में आपको जितने भी पेपर में जो निर्देश आएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो पूरे 10 मिनट में आपको पढ़ लेना है। ओके, सेम बात ये दूसरे के लिए, यहाँ पर भी आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। उत्तर अंकित करने का आपका जो समय रहेगा वो 9 बजे से 11:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का कुल समय आपको मिलेगा जिसमें आप उत्तर अंकित कर सकते हो। यही रणनीति बना के चलना ताकि वहाँ पर परेशानी ना बने। और साथ ही यहाँ पर जो दोपहर वाला जो दूसरा सत्र होगा इसमें भी 2 बजे से 4:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे में आपको सारे उत्तर अंकित कर देने हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। तो परीक्षा शुल्क के बारे में आपको जानकारी मिल गई है, परीक्षा कब है, फॉर्म कब भरना चालू होने हैं, कब तक अंत डेट है और कितनी फीस है, उसकी जानकारी आपको मिल गई है। अब परीक्षा की तैयारी करते हैं, MPTET के MPTET 3 के MCQs लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये था कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी वेतन, सेवा, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास। ओके, तो
जितने सारे लोग भी वहां पर आंसर दे रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ सही आंसर दे रहे होंगे। चौथा है सही जवाब। देखो व्याख्या समझिए, शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में वास्तविक कुम्हार होते हैं जो ना सिर्फ उन्हें छात्रों के जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न ये रहा कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह क्या बन जाता है? क्या वह कानून बन जाता है, क्या वह सिद्धांत बन जाता है, क्या वह खोज बन जाती है, या फिर वह मूल संकल्पना बन जाती है? तो वो क्या बन जाता है? वह एक सिद्धांत बन जाता है। देखिए, सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है और किसी परिकल्पना को यदि आप बार बार निरीक्षण करते हैं व परीक्षण करते हैं और यदि आप को इस बात का भान हो जाता है कि आपकी जो परिकल्पना है वो सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है और ये क्या बन जाता है? सिद्धांत बन जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? श्रुति लेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुति लेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुति लेख। तो क्या सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वो कौन सी है? वो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। थोड़ा सा समझते हैं। देखो, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपनी ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करना तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण होती है। बेसिकली डिस्कशन करके वो चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद ये जो है ये उनको हमेशा वो बात याद रहेगी जो वो इस तरीके से विचार गोष्ठी करके कार्य योजना करेंगे तो ये हमेशा उनके जीवन में भी संबंधित रहेगी। ओके, प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। ओके जी, एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर मीथेन। क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प ओजोन आदि करती है। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों के वातानुकूल कूलक, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। देखिए, जो अलग अलग जो गैसेस रिलीज होती है, आपने देखा होगा सिस्टम से निकलती है, जो एसी है उनसे निकलती है, जो स्कूटर रहते हैं वाहन रहते हैं उनसे निकलती हैं, तो उनके कारण होता है। और हीलियम ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती क्योंकि हीलियम क्या है? हीलियम एक तरीके की नोबल गैस है, यह एक निष्पीय या नोबल गैस है। अगला प्रश्न ये रहा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल, जूल, न्यूटन, नैनो इकाई। किससे हम नापते हैं, किससे हमें पता चलता है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? ठीक है, तो वो आप किससे नापते हैं? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है और 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। देखिए, 80 डेसिबल से ज़्यादा यदि शोर हो रहा है तो आपको काफ़ी परेशानी होती है और आपकी सुनने की शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए
25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है, 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। चलो एक और प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस स्थल आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है, ग्लेशियर्स के द्वारा कौन सी रिलीफ बनती है? यू आकार की घाटी, यू शेप वैली, लैपिस, बी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। स्थल आकृतियों से क्या बनता है? जो बनता है वो क्या बनता है? यू आकार की घाटी, यू शेप वैली। निम्नलिखित स्थल आकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है, इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है जिससे इस घाटी की आकृति से मिलता है। ऐसे ऐसे तरीके की घाटी भी होती है वो, और हिमनदों के द्वारा होती है। आपर्दन के कारण इनके दोनों किनारे काफी समानांतर एवं अंतोतर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात का एक प्रमुख प्रवाही जल नदीकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। तो जलप्रपात किससे बनते हैं? नदी जल से बनते हैं। वी आकार की जो घाटी रहती है ये वी शेप पर बनी है, और ये किससे बनती है? तो ये युवा नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी बनती है। इसके अलावा इस जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली से कम गहरा करती है तो उसे क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी। इस तरीके से वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। चलिए निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा या फिर सिंधु। जो नदी गिरती है वो कौन सी है? सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा या फिर सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव की रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां कहाँ तीनों गिरती हैं? तो ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अगला प्रश्न, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? ये कंडीशन दी, एक छोटा सा केस स्टडी आप समझ सकते हैं। देखिए, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना सही होगा, या फिर प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। आप बताइए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसका जो उपयुक्त सुधारात्मक उपाय है वो ये है कि राकेश कक्षा 5, देखिए इसका आएगा तीसरा वाला, कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना है, ना कि प्राध्यात्मक को जानकारी में लाना। खेल ये सब नहीं कर सकते हम, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आपको विद्यार्थियों के साथ जो है एक नर्म व्यवहार रखना है, कठोर होना है, पर परिस्थितियों को देखकर आपको उनके अनुकूल रहना है। तो ये जो परिस्थिति है भाई, कि यहाँ पर आप क्या समझा कर उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। काफी आसान सा सवाल है कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाने वाला मध्य प्रदेश विदेश में पर्यटन स्थल, खान पीन, शिल्पकारी, बुनकारों के लिए जाना जाता है, और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। कौन सा है वो सागर? जी हाँ, तो वो कौन सा है? भूमध्य सागर। मेडिटेरियन सी ही सही जवाब है। पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, आंतोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग
25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, और वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। ओके, चलो, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है, और यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया था। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। और ओजोन दिवस 2016 का थीम क्या था? ओजोन एंड क्लाइमेट था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिकता उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता? तो कौन होते हैं? वो होते हैं प्राथमिकता उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों में चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूभागीय चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र? तो क्या कहते हैं? कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या फिर कोयला? तो कौन करता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? कम से कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। एक और सवाल कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर ब्राजील में? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, MIC के कारण हुई थी। और ये दुखद घटना 3 सितंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना के रूप में हुई थी, जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों का सीजन होता है 25 दिसंबर के टाइम पे, जब क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि ये कहाँ आता है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और जिसका कारण आप जानते हैं। अगला सवाल, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करते हैं? सांप, हाथी, गैंडा या फिर शेर? तो किसका करते हैं? शेर का करते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, महोगनी, फर या फिर चंदन? तो कौन सी पाई जाती है? कैक्टस पाई जाती है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? किससे है? तो इसका संबंध भाई ध्वनि प्रदूषण से है, ग्रीन मफलर का संबंध। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या फिर शुक्र? सभी को पता होगा क्या है? सूर्य है। ओके, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है। एक और सवाल, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध, वरुण, शनि या शुक्र? तो किसका है? ये शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा, कपास, गन्ना या आलू?
तो बायोडीजल की फसल कौन सी है? जेट्रोफा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986, 1982, 1992 या फिर 1996। कब हुआ था ये पारित? ये पारित हुआ था 1986 में। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में या फिर सवाना बायोम में। तो किसमें ये पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। और अब आज की रोचक स्ट्रेटजी ये रही कि आपको सबसे पहले सिलेबस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, उसके अलावा आपके जो सोर्स हैं, आपके जो स्रोत हैं पढ़ाई के, वो कैसे रखने हैं आपको? वो रखने हैं आपको लिमिटेड, काफ़ी सीमित सोर्सों से आपको पढ़ना है। रिवीजन आपको रेगुलर करना है बचे हुए 2 महीने में, बहुत अच्छी तैयारी के लिए शुरू से एक रेगुलर रिवीजन आपको करना है। ओके, सोर्सेज आप क्या यूज़ करोगे? तो देखिए, कुछ किताबों के मैं आपको नाम बता सकती हूँ, जैसे पैडागॉगी के लिए आप रीत ये किताब आती है शिखावल पब्लिकेशन की, तो ये किताब आप ले सकते हैं। यदि आप पैडागॉगी पढ़ना चाह रहे हैं, ईवीएस पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अरिहंत की किताब ले लीजिए। इंग्लिश के लिए रीत की शिखावल पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं। हिंदी के लिए भी आप रीत की किताब ले सकते हैं, सेम शिखावल पब्लिकेशन। संस्कृत के लिए भी रीत शिखावल पब्लिकेशन की किताबें बहुत अच्छी हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप अरिहंत के एमसीक्यूज ले सकते हैं, और साथ ही आप टारगेट का जो पेपर आता है वो पेपर ले सकते हैं। सो ये मेरी कुछ टिप्स थी। अब रोज सेशन रहेगा, बिल्कुल अच्छी तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, एंड जल्दी से और भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो कंप्लीट सिलेबस की, तो आपको क्या करना है? MPTET का सब्सक्रिप्शन लेना है, और वहाँ पर मेरा कोड RJLIVE, इस कोड को आपको यूज़ करना है, जो आपको दिलाएगा पूरे 10% का डिस्काउंट। तो इतनी जानकारी थी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल।